Uh, for this saturday you know session on chart patterns uh, today's session is on chart patterns okay so uh, before starting i would like to know how many of you are attending this session for the first time and how many of you have already attended the session can you confirm it confirm me on the chat already attended okay mukesh first time rane first time first time veerikanan first time bhavendra first time Bal ji first time okay Happy Sharma Ji first time. Deepak second time. Okay, Devendra Ji second time. ji first time. Hithi Ji already okay. Sandeep Ji Vikram Ji first time. Manuji. okay. So I can see most of the people are attending for the first time, and some are. Those who have already attended. Uh, Manoj Ji has already attended many times. Okay, no problem. So those who have uh, those who are attending for the first time, the, the topic will be new for them and those have already attended so it could be a revision for them okay and if you have any queries you can ask me uh you know on the chat okay i'll reply after after completing a topic then i'll reply on the questions okay so keep uh hold uh, hold on your queries and if you have any doubt then you write it on the chat and i'll try to answer all your queries okay so without wasting time let's start so today's topic is chart patterns all you are already aware

वो प्राइस के बारे में क्या सोच रहे हैं दैट इज बी रिफ्लेक्टेड इन चार्ट चार्ट वो में रिफ्लेक्ट होती है राइट right? अब चार्ट पैटर्न मेनली दो तरह के होते हैं एक, आपका और एक है रिवर्सल पैटर्न राइट तो व्हाट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड व्हाट आर रिवर्सल पैटर्न नाम से ही आपको समझ में आ आया होगा रिवर्सल पैटर्न वो होते हैं जो रिवर्स करते हैं मींस अगर कोई डाउन ट्रेंड स्टॉक चल रहा है और वो रिवर्स करके ऊपर जाता है तो उसको अपने बोलते हैं बुलिश रिवर्सल राइट तो वो रिवर्स कर रहा है ट्रेंड डाउन चल रहा था वो अप की तरफ घूम गया दैट इज बुलिश रिवर्सल और वैसे ही कोई अगर, अगर अप में चल रहा था कोई स्टॉक्स बहुत ऊपर अप ट्रेंडिंग था एंड वो नीचे जाने लगता है घूम के तो वो बियरिश रिवर्सल होता है ठीक है तो उसी हिसाब से कुछ पैटर्न बनते हैं जो अपने को बताते हैं कि ये पैटर्न जब बनता है जब जब ये पैटर्न बनता है तो बुलिश रिवर्सल होने का चांसेस है या जब जब ये पैटर्न बनता है तो वो बियश रिवर्सल होने का चांसेस है तो वैसे कुछ पैटर्न देखे गए हैं मार्केट में जो बहुत साल से यूज हो, होते चले आ रहे मार्केट में ठीक है तो उनके अलग अलग नाम दिए गए वो अपने डिस्कस करेंगे राइट फिर क्या होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे होता है जैसे कि अपने भागते हैं लाइफ में ठीक है भागते भागते थक जाते तो वी टेक रेस्ट एंड अगेन देन वी स्टार्ट रनिंग राइट तो मतलब अगर स्टॉक से इसको को रिलेट करें कोई स्टॉक है वो एक अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है फिर वो एक रेस्ट लेता है एक कॉन्सोटेशन फेज में जाता है ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है ये ट्रेडिंग रेंज में क्यों जाता है इट्स बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है जो उन्होंने नीचे पे प्राइस में खरीदा है वो ऊपर उनको अच्छा प्रॉफिट आता है तो वो बुक करना चाहते हैं तो उसकी वजह से प्रा, प्राइस में एक प्राइस एक रेंज में ट्रेडिंग करने लगता है ठीक है तो मोमेंटम लूज और बहुत से न्यू एंट्री नहीं करते क्योंकि प्राइस एक रेंज में चला गया है मोमेंटम लूज हो जाता है तो प्राइस एक रेंज बाउंड में चला जाता है ठीक है जब वो वापस रेंज को तोड़ता है तो वापस से जब वो भागना चालू कर देता है तो दैट इज कॉल्ड

तो तो वॉट आर चार्ट पैटर्न अक्यूमलेटिव मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स इन पैटर्न ठीक है और ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है ठीक है इट हेल्प अस टू प्रिडेक्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट तो ये अपने को प्राइस मूवमेंट हेल्प करने में हेल्प करता है कि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट किस साइड हो सकता है और साथ साथ ये अपने को टारगेट्स भी बताता है कि इसका क्या टारगेट हो सकता है ठीक है सो एज आई हैव सेड चार्ट पैटर्न कैन बी अ कंटिन्यूएशन और अ रिवर्सल पैटर्न इट कैन बी अंटिन्यूशन पैटर्न एज वेल एज इट कैन बी अ रिवर्सल पैटर्न ठीक है तो so जैसा मैंने कहा था कि कैसे बनते हैं ये चार्ट चार्टिजल्ट ऑफ मार्स साइकोलॉजीट पार्टिसिपेंट्स रिपीटेड इमोशन ऑफ फियर एंड ग्रीड तो मार्केट में ये दो बहुत से इमोशंस होते हैं मार्केट में जैसे कि फियर एंड इमोशन सुना होगा देन आपने सुना होगा हर्ड एक मेंटेलिटी होती है हर्ड मेंटेलिटी मीन्स जो सब तो जो सब कह रहे हैं वो भी कह रहा हूँ दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इमोशन एक क्वांट्रा होता है मीन्स अगर कोई बाय करता है तो मैं उसके अगेंस्ट खेलूंगा ठीक है ये माना जाता है कि मेजर लोग गलत हैं तो मैं हटके करूंगा तो वो क्वांट्रा ट्रेडिंग हो जाती है राइट तो ये सब इमोशन है मार्केट के ठीक है एंड जनरली अगर इसको क्लासीफाई किया जाए तो दे आर टू टाइप्स ऑफ इमोशन दैट इज ग्रीड एंड पियर ठीक है तो उन्हीं से ये सब पैटर्न बनते हैं तो रिवर्सल पैटर्न जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ सो आई एम नॉट रिपीटिंग वॉट अ रिवर्सल पैटर्न कंटिन्यूशन पैटर्न भी मैं आपको बता चुका हूँ वॉट इज अव कंटिनुएशन पैटर्न सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट ओके नाउ ट्राइंगल पैटर्न ट्राइंगल पैटर्न होता है इसमें ट्राइंगल पैटर्न में तीन तरह के पैटर्न बनते हैं सिमेट्रिकल ट्राएंगल पैटर्न ओके और सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल सिमेट्रिकल ट्राएंगल एसेंडिंग ट्राएंगल एंड डिसल तो मैं एक एक करके तीनों एक्सप्लेन करूंगा आपको और इसमें से बताऊंगा कैसे इनके टारगेट्स निकाले जाते हैं कहाँ पे अपने स्टॉप लॉस रख सकते हैं कहाँ पे एंट्री लेनी है किस किस चीज को कौन से ब्रेकआउट को अवॉइड करना है और कौन से ब्रेकआउट को आपको ज्यादा चांसेस है प्रोबेबिलिटी है कि राइट ब्रेकआउट right हो सकते हैं तो सिमेट्रिकल ट्राएंगल में हो सकता है बीस स्टॉक्स आ जाए आपके स्कैनर के अंडर में दे मे बी ट्वेंटी स्टॉक्स में कम अंडर योर स्कैनर इन सिमेट्रिकल ट्राइंगल और एनी ट्राइंगल पैटर्न और एनी पैटर्न बट हाउ टू चूज फ्रॉम these ट्वेंटी थ्री और फोर स्टॉक्स बेस्ट फोर फाइव स्टॉक्स मैं कैसे चूज करूं जो मैं जिसपे मैं ज्यादा चांसेस है कि वो राइट पड़ेंगे ऐसा तो नहीं है कि बीस से मेटिकल ट्राइंगल ने अगर ब्रेकआउट दिया है तो बीसों अपने राइट पड़ेंगे इट इज नॉट लाइक दैट राइट तो उसको फर्दर अपने कैसे एनालाइज करें जिससे चांसेस विल बी हायर ठीक है कि अपने क्वालिटी स्टॉक्स पकड़ पाए और जिनमें अपसाइड मूवमेंट या डाउन मूवमेंट जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है वो राइट हो ओके okay? तो वो सब डिस्कस करेंगे सो नाउ सिमिट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न तो सिमिटिकल ट्राइंगल पैटर्न दो दो रोल प्ले करता है ये आपका है। ये आपका आपका रिवर्सल पैटर्न पैटर्न भी भी हो हो सकता सकता है, है। तो ओनली अंडर सिमिटिकल ट्राइंगल अंडर ट्राइंगल पैटर्न ओनली सिमिट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न पैटर्न विच कैन बी बोथ इट कैन बी आल्सो और इट कैन बी कंटिन्यूएशन पैटर्न आल्सो बाकी जो पैटर्न्स है

तो मोमेंटम लूज कर गया और एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होने लगी लग है ठीक है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन कैसे बनी ये ये सॉरी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन कैसे बनी बाय कनेक्टिंग लोअर हाई लोअर हाईज मीन ये जो हाई है इस हाई से लोअर है राइट right? एंड ये जो हाई है इस हाई से लोअर है ये हाई जो है इस हाई से लोअर है ठीक है तो ये लोअर हाइज को जब कनेक्ट करते हैं तो हम लोग को एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिलती है उसी तरह व्हेन वी कनेक्ट हायर लोअस Means ये जो लो है इज हायर दैन दिस लो एंड इज हायर देर दैन दिस लो तो इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है हायर लो मिलता है तो इससे अपने क्या लगाते हैं जो स्लोपिंग ये जो इसका जो ट्रेडिंग का जो रेंज कम हो रहा है इट मीन दैट मोमेंटम इज डिक्रीजिंग अभी क्या है ना बायेरी एक्टिव टू बाई नक्टिव टू सेल रेंज, एक रेंज में हो गया मोमेंटम लूज हो गया प्राइस एक रेंज में चला गया राइट right? अब इसमें अपने कैसे ट्रेडिंग करेंगे जब तक ये रेंज में रहता है तो अपने कुछ नहीं करेंगे जैसे ही अब दो चीज हो सकती है यहाँ से आइदर ये रेंज के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट देगा इसके ऊपर बंद हो जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के देन इट विल कॉल अटिकल एंगल बुलिश अपसाइड ब्रेकआउट तो तब यह कहलाएगा कंटिन्यूशन पैटर्न अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया इट विल कॉल अ कंटिन्यूएशन पैटर्न क्यों पैटर्न कहलाएगा? क्योंकि पहले का ट्रेंड अप था वापस अपना को करेगा ये. So है? तो स्टॉकेज तो के ऐप आप में आपको अलर्ट मिलेगा फ्रॉम द स्टॉकेज नोटिफिकेशन मिलेगा दैट दिस स्टॉक गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ सिमेटिकल ट्रायंगल तो आपको सिमेटिकल ट्रायंगल का तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टॉकेज के ऐप में इस पैटर्न ने आपको इसने का ब्रेकआउट दिया है, राइट? Right? अगर ये नीचे बंद हो जाता, इस लाइन के नीचे बंद हो जाता, इफ द प्राइस क्लोजेस बिलो दिस स्लोपिंग लाइन, देन वी विल कॉल इट अ रिवर्सल पैटर्न, क्या बनेगा Means, up, now, downside, तो तो के नीचे जाने की संभावना ज्यादा बनेगी अगर ये नीचे, अगर ये नीचे का ब्रेक ब्रेकडाउन देता है ठीक है अभी मैं बाद में आपको 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 बताऊंगा कब ब्रेकडाउन और लेने हैं, ठीक है? आपको तो मिल जाएंगे कब पहला तो यहाँ पे आप एक केस पकड़ते हैं जहां पे अपना ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे द प्राइस नाउ हाउ दिस स्टॉक टारगेट का स्टॉक कैसे स्टॉक uh, का टारगेट कैसे निकालेंगे patterns, pattern के right? so के जो ट्राइंगल के अंदर बड़ा डिस्टेंस होगा ट्राइंगल का जो अपने पे, पे राइट right? ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है ट्राइंगल का बट सबसे कौन सा है ये वाला है ट्राइंगल के अंदर का तो ये डिस्टेंस का हाई और ये डिस्टेंस का लो का डिफरेंस निकालेंगे राइट right? ये डिस्टेंस का हाई एंड ये डिस्टेंस का लो का डिफरेंस निकालेंगे राइट सपोज ये हाई है टू हंड्रेड पॉइंट अपने लाइव एग्जाम्पल्स भी लेंगे आफ्टर डिस्कसिंग दिस आई टेक यू टू लाइव एग्जाम्पल्स ओके सपोज ये हाई है ओके दिस इज हाई एंड इट इज टू हंड्रेड द हाई इज टू हंड्रेड ओके एंड दिस लो इज वन फिफ्टी और ये लो पॉइंट है 150 डिफरेंस तो हुआ 200 हंड्रेड माइनस वन फिफ्टी दैट इज फिफ्टी रुपीज का डिफरेंस हुआ ओके okay? तो ये फिफ्टी रुपीज को अगर यहां पे हो रहा है एंड सपोज ब्रेकआउट ब्रेकआउट पॉइंट पॉइंट पे so 170 में फिफ्टी रुपीज एड करेंगे रिपीट कर रहा हूं कैसे आया टारगेट

तो अपना टारगेट तो मिल गया नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट कुस पैटर्स आपको स्टॉप लॉस नहीं देते हैं पैटर्न डिपेंड ऑन योर रिस्क कैपेसिटी ठीक है डाउन साइड टारगेट ऑल्सो धर्मेश बता रहा हूं ठीक है तो पैटर्न आपको सिर्फ टारगेट देते हैं डिपेंड करता है आप कितना रख सकते हैं बट जनरली आप टारगेट अगर आपको मिल गया है

अदर वे क्या होता है दूसरा वे आप चार्ट देख के लगा सकते हैं दैट इज जो अगर कोई बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है लॉन्ग बुलिश कैंडल देन उस बुलिश कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ओके आई आई शो यू ऑन द लाइव चार्ट में मैं जब जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा देन यू कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस अगर ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अगर इसके नीचे बंद होने लगे अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे अगर बंद हो, होने लगे तब आप स्टॉप लॉस वहां पे भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं वन इज टू टू का रिस्को के साथ स्टॉप लॉस ले सकते हैं ठीक है और अपना जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सो दैट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क रिस्क कितना ले सकते हैं ठीक है बट आई विल सजेस्ट विदेस्टलीस्टू टू का रिस्क रिवॉर्ड रखिए जैसे कि इस केस में मैंने आपको बताया पचास रुपए का टारगेट बन रहा है मेरा तो मैं पच्चीस रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा अगर सौ रुपए का टारगेट बन रहा है क्योंकि मैं टारगेट तो निकाल सकता हूँ पैटर्न से अगर सौ रुपए का मेरा टारगेट बनेगा तो मैं पचास रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा ठीक है कमिंग टू द डाउन साइड टारगेट डाउन साइड टारगेट इज ऑल्सो सेम तो डाउन साइड टारगेट में भी अपने डिफरेंस लेते हैं हाई एंड लो का तो so ये हाई और ये लो का डिफरेंस जो है फिफ्टी रुपीज का है वो अपने राइट तो सपोज अगर ये ब्रेक डाउन आपको वन हंड्रेड एंड सिक्सटी के पास में दे हुआ है तो टारगेट जैसे ऊपर का निकालते हैं वैसे ही नीचे का निकालेंगे डिफेंस ऊपर में अगर अपसाइड ब्रेकआउट है वी वी विल विल अप अप ओके एंड अगर नीचे का ब्रेकआउट है तो अपने उसमें डाउन uh, साइड तो अपने सब ट्रैक्ट करेंगे एंट्री लेवल से हो ब्रेक डाउन लेवल से सब करेंगे ओके सो इज दिस क्लियर विथ यू ऑल चार्ट पैटर्न कैसे बना है अब दो कन्वर्जिंग लाइन से इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे लेना है राइट right? तो वैसे ही आप <coughs> ये है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश ठीक है और एक चीज बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट दो पॉइंट का दो पॉइंट होने चाहिए जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा एटलीस्ट देयर शुड बी अ टू पॉइंट्स टू डाउनवर्ड्स टू पॉइंट्स होने चाहिए नीचे जो लोअर हाईस बना रहे हैं और दो पॉइंट यहां होना चाहिए जो आपके हायर लोस बना रहे हैं दो पॉइंट मिनिमम चाहिए मैक्सिमम आपके जितने भी हो सकते हैं बट मिनिमम टू पॉइंटल एंड वन मोर पॉइंट जब ये पैटर्न बनता है, ये में जब जाता है तो वॉल्यूम जो है वो श्रिंक हो जाता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब भी ऊपर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो जनरली वॉल्यूम शुड राइज वॉल्यूम आपका बढ़ना चाहिए बहुत से केसेस में वॉल्यूम बढ़ता है बहुत से केसेस में वॉल्यूम नहीं भी बढ़ता है राइट right? तो मैं वो आपको टॉपिक बाद में दिखाऊंगा अभी जब मैं चार्ट्स में आऊंगा तो उसका क्यों इंपॉर्टेंस है ठीक है ओके विच इज अ गुड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी रिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट रेड विद मिनिमम तो सी ब्रेकआउट बोथ स्ट्रेटेजीज आर गुड ठीक है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में क्या होता है यू गेट अ मोमेंटम तो चांसेस जल्दी जल्दी स्टॉक्स में मोमेंटम होता है ठीक है रिवर्सल स्टॉक्स क्या होते हैं उनमें आपका रिस्क कम रहता है ठीक है बट वो एक बहुत टाइम ले सकते हैं आपका टारगेट अचीव करने की क्योंकि वो एक कोई उनमें कोई न्यूज नहीं है कुछ वो एक एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है रिवर्सल स्टॉक्स में ज्यादा तो वो हो सकता है प्राइस आप लेके आपका नीचे भी नहीं जाए प्राइस ऊपर भी नहीं बढ़े एक रेंज में ज्यादा टाइम तक एक रेंज में रहे और वो लंबा समय गुजारने के बाद वापस उसमें मूवमेंट आ सकता है ठीक है ब्रेकआउट स्टॉक्स में क्या होता है रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो स्टॉक्स ऑलरेडी मूव अप चलते हुए चले आ रहे हैं ठीक है तो मे भी हो सकता है ब्रेकआउट 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 के बाद वो फॉल्स कर जाए जाए वहां से रिवर्सल आ बट का एक और भी भी बेनिफिट यहाँ पे है कि क्योंकि उनमें मोमेंटम होता है तो प्राइजेस जो चीज अपने ना जो स्टॉक चल रहा वह है वही चलता है तो वो थोड़ा सा यू नो रेंज बाउंड ट्रेडिंग होने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद रेंज होने के बाद वापस से अपनी चाल पकड़ ले तो मोमेंटम में आपको जो रिजल्ट आएगा जल्दी आएगा फास्ट आ सकता है दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस ओके मोमेंटम में यू गेट अ फास्ट रिजल्ट आपका टारगेट्स भी आएगा तो जल्दी आएगा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर करेगा तो जल्दी ट्रिगर करेगा बट रिवर्सल पैटर्न में आई सीन जनरली दैट इट मे टेक टाइम ठीक है बहुत लंबे समय तक एक नीचे के मतलब एक यू नो एक्शन फेज जिसको अपने बोलते हैं जब भी रिवर्सल होता है तो पहले क्या होता है एक्यूमिलेशन होता है लोग पहले नीचे नीचे बाय करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में बाय करते रहते हैं फिर जब वो वापस थोड़ा चलने लगता है तो उसमें ब्रेकआउट हमेशा हमेशा लास्ट थर्ड स्टेज होता है ब्रेकआउट में पहले आपका एक्यूमिलेशन होता है फिर पार्टिसिपेशन होता है फिर आपका ब्रेकआउट होता है ऑल लोग पार्टिसिपेट करते हैं ओके okay? एंड उस ब्रेकआउट के बाद अगर वो रियल ब्रेकआउट है तो उसमें फर्दर स्ट्रेंथ बनी रहती है प्राइसेस ऑल ऊपर जाते हैं ठीक है तो इट डिपेंडिंग आप किस प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं आप किस टाइप के ट्रेडर हैं यू कैन चूज अकॉर्डिंगली अगर आप फास्ट ट्रैक मार्केट में काम करना चाहते हैं देन ब्रेकआउट एंड मोमेंटम आर स्लो टाइप इन्वेस्टर टाइप थोड़ा कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी यू कैन गो फॉर स्ट्रेटजी। ओके सो हाँ तो मैं ये आपको बताया तो ये आपका सिमिट्रिकल ट्राइंगल का बी डाउन साइड ब्रेकडाउन है दिस इज अ डाउन साइड ब्रेक डाउन okay? जैसे मैंने कहा था एक अपसाइड ब्रेकआउट दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अपसाइड ब्रेकआउट एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउन साइड ब्रेक डाउन ठीक है तो अब एक अपने और दो पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आई गो टू द ओके सो नेक्स्ट पैटर्न आई वुड लाइक टू डिस्कस इज एसेंडिंग ट्राइंगल जैसा कि मैंने कहा था कैन बी बोथ इट कैन बी अ कंटिन्यूएशन एज वेल एज रिवर्सल बट एसेंडिंग ट्राइंगल इज कंसिडर्ड ओनली अ बुलिश बुलिश कंटिन्यूएशन ही इसको माना जाएगा ठीक है इसमें रिवर्सल नहीं होता है ठीक है या तो ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल देगा या पैटर्न जो है वो इनवैलिड हो जाएगा ठीक है तो यू कैन सी वॉट इज असनिकल ट्रैंगल एंड स्लोपिंग लाइन थी तो यहां भी एक है वहां आप लोग ने देखा था एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन थी बट यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन नहीं है यहाँ पे क्या है दिस हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन दिस विच इज एक्टिंग रेजिस्टेंस तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है सप्लाई जोन ठीक है यहाँ पे सप्लाई बाई रहा है, है? तो यहाँ पे देखे का है. Supply, है जितने लोग ना कोई बाई कर रहे सेल कर रहे हैं बट एवरी टाइम बायर्स आर गिविंग सपोर्ट एंड मेकिंग हायर लॉस तो जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो बायर्स आर गिविंग सपोर्ट एंड मूविंग द प्राइस अपेन द सेलर्स आर बिकमिंग एट दिस पॉइंट यहाँ पेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं

तो आप ये देख सकते हैं दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो हाइस्ट वर्टिकल डिस्टेंस ठीक है उसको अपने ब्रेकआउट कैंडल पे एड करेंगे टू गेट द टारगेट तो सपोज यहां पर डिफरेंस मैं सेम एग्जाम्पल लेन फिफ्टी तो डिफरेंस इज फिफ्टी रूपीज एंड ब्रेकआउट यहां पे क्या हो गया टू हंड्रेड के ऊपर हो गया तो टू हंड्रेड प्लस फिफ्टी टू फिफ्टी विल बी माई टारगेट ओके बालकृष्ण जी वीसीपी पैटर्न इज नॉट द पार्ट अभी

तो ये इसीलिए ये सेशंस रखा गया है ओके डेफिनेटली विल स्टडी सतीश जी डेफिनेटली विल स्टडी द आफ्टर द एक्सप्लेनेशन आई विल गो टू दी एप एंड स्टडी द लाइफ पैटर्न विच रिसेंटली बी फॉर्म ओके है इसका डेली में बनता है बट पैटर्न्स कैन बी फॉर्मड इन एनी एनी टाइम फ्रेम डेली मंथली वीकली किसी में भी बन सकता है बट अभी जो स्टॉकेज में जो पैटर्न्स बने हैं वो आपके जस्ट ऑन द डेली बेसिस पे हैं बट इट कैन बी फॉर्मड ऑन वीकली मंथली इंटरडे किसी में बन सकते हैं ठीक है क्लियर ओके एक्यूरेसी ऑफ दिस पैटर्न आई विल कम टू दिस पॉइंट द इमेज एक्यूरेसी ऑफ दिस पैटर्न आल्सो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस देन आई डिस्कस एवरीथिंग ओके पहला एजेंडा है कि मैं टॉपिक पहले कवर कर लू देन आई टेक लाइव एग्जाम्पल ऑल्सो आई टेक ऑल योर क्वेश्चन ऑल्सो ओके सो ये आपका था एसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट ओके देन डिसेंडिंग ट्राइंगल डिसेंडिंग ट्राइंगल में वॉट इट इज अ पैटर्न डिसेंडिंग ट्राइंगल इज अ पैटर्न राइट तो इसका एक्सपेक्टेड है डेट इट विल गो डाउन डिसेंडिंग ट्रेंगलिट ऑफ असेंडिंग ट्रैगल इन ट्रैंगलर्ड स्लोपिंग लाइन है ये आपकी हॉइजोंटल लाइन है इसका जब नीचे प्राइस क्लोज हो जाता है देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अडिंग ट्राइंगल पैटर्न ठीक है इसका टारगेट कैसे लेंगे अपने सेम वे जैसे और uh, में लिए थे जो होगा, का, उसको अपने से करेंगे button, okay? अगर सेल नहीं करना है तो अपने बाय भी नहीं करेंगे इसमें ठीक है नाउ आई टेक आई एम चेंजिंग माय यू नो स्क्रीन एंड आई एम टेकिंग यू टू द स्टोकेज का ऐप यहाँ पे अपने थोड़े स्टॉक्स डिस्कस करेंगे okay? तो आई चेंज माय स्क्रीन तो स्क्रीन चेंज स्क्रीन दिख रहा है सबको तो so पहला जो क्वेश्चन आता है एक्यूरेसी तो एक्यूरेसी इसकी जो जनरल एक्यूरेसी है जो मैं स्टॉकेज का नहीं या किसी का अपना या नहीं बता रहा हूं जो चैट पैटर्न्स का जो यूनिवर्सल एक्यूरेसी देखा गया है दैट इज सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट On you. आप तो ये इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है कि ये आप कितनी कर सकते हैं अब मैं बताता हूं कैसे ओके सपोज कोई स्टॉक ने बुलिश दो स्टॉक्स है एक बुलिश ब्रेकआउट दिया है और एक ने बिश

एक बुलिश भी आप आएगा क्योंकि उसने ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दिया है बट नाउ ऑन विच स्टॉक यू एक्ट आप बुलिश में एक्ट करेंगे कि में एक्ट करेंगे दैट विल डिसाइड योर एक्यूरेसी सपोज ओवरऑल मार्केट ट्रेंड अप है सेक्टर भी अप है और मैंने कोई बुलिश पैटर्न पे काम किया तो चांसेस आर हायर कि मेरा ट्रेड रॉन्ग हो जाएगा तो वो स्टॉक रिवर्स कर जाएगा और टारगेट मेरा हिट कर स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा राइट बट इफ द स्टॉक इज ट्रेंडिंग अप ज गिवेन अ बुलिश ब्रेकआउट मार्केट इज ऑल्सो अप सेक्टर इज ऑल्सो अपनिश्रेकआउट माई एक्यूरेसी मोर देन सेवेंटी और एट्टी परसेंट ओके सो इसीलिए मैं बोलता हूं आपकी एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन यू आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इट इज नॉट ओनली चार्ट आपको सिर्फ चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड नहीं करना है यू हैव टू एड अदर पैरामीटर ऑल्सो ठीक है अब वो मैं आपको बताऊंगा ब्रेकआउट्स भी आपको कौन से ब्रेकआउट को लेना है कौन से ब्रेकआउट्स को छोड़ना है लाइक like क्रिकेट में आपको हर बॉल पे शॉट नहीं मार सकते हैं तो कुछ बॉल्स आपको छोड़ना पड़ती है और कुछ बॉल में आप सिक्स मार सकते हैं राइट अपने छक्का मार सकते हैं छक्का चौबा और कुछ बॉल्स अपने को छोड़ना पड़ती है राइट क्योंकि अगर वो बॉल्स अपने टच करेंगे तो हम लोग आउट हो सकते हैं तो वैसे ही कुछ ट्रेड्स आपको छोड़ना पड़ेगी क्योंकि अगर वो सब ट्रेड आप लेंगे तो चांसेस है कि उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा ओके कमिंग टू सेक्टर रोटेशन टॉपिक जो होती है दैट इज कवर्ड ऑन थर्सडे आई थिंक ओकेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न ठीक है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट एंड पास्ट टैब है मेजर स्टॉक्स एक दिख रहा है डेट दिख रही है ठीक है तो एज ऑफ सिक्स सेप्टेम्बर यहां पर दिखा रहा है कौन कौन सा स्टॉक्स जो है रिसेंट में आया है रिसेंट में मीन्स एक्टिव अभी भी ये स्टॉक्स एक्टिव है और पास्ट मीन वो स्टॉक्स पहले कभी आए थे चार्ट पैटर्न में बट अभी वो वहां से निकल चुके हैं क्यों निकल चुके हैं इधर उनका टारगेट अचीव हो गया या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है ठीक है तो वो निकल चुके हैं वहां से ओके तो अपने रिसेंट में देख लेते हैं फर्स्ट uh, रिसेंट में भी कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं रिसेंट में यू कैन सी आदित्य बिरला फैशन आया है छप्टेंबर को ठीक है प्राइस कितने पे एंट्री पॉइंट था इसका तीन सौ नौ चौबीस अभी तीन सौ नौ अभी वही एलटीपी भी वही पास में ही है तो अपने देखते हैं ये ब्रेकआउट दिया है ऊपर का या ब्रेकडाउन दिया है तो लेट्स ओपन द चार्ट तो यू कैन सी इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन यहां पे क्या दिया है प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया है ओके नाउ आई एम आस्किंग माई ऑल द पार्टिसिपेंट्स दिस हैज गिवन अ ब्रेकडाउन will you sell this stock or not any answers please reply on chat no debendu ji says no ashish das ji says no mohan ji says no lakshman ji uh, no B nablu ji says yes market bullish partha ji yes vishal ji yes shrinivas ji yes guru ji yes khalid ji no okay i don't know <laughs> okay uh, Sayaji, ji no yes with stop loss

बहुत छोटी सी कैंडल बनी है तो ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ कम है ठीक है कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा नहीं है मार्केट हालांकि कल आप लोग ने देखा होगा मार्केट में एक तीन सौ पॉइंट का सेल आया था निफ्टी में बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुलिश नहीं है ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल अप मार्केट में करेक्शन एंड रिवर्सल आर टू डिफरेंट थिंग्स करेक्शन इज डिफरेंट एंड रिवर्सल इज डिफरेंट एंड रिवर्सल इज अ वेरी बिग थिंग मार्केट का रिवर्सल बहुत बड़ी चीज है वो इतनी आसानी से नहीं होता है अपने 300 पॉइंट सौ पॉइंट 500 पॉइंट गिर जाता है अपने लगता है मार्केट में मंदी आ गया इट इज नॉट लाइक दैट तो वी कैन नॉट से नॉर्मल करेक्शन इज अ रिवर्सल राइट सो रिवर्सल बहुत बड़ी चीज है तो मार्केट में जब भी रिवर्सल आता है इट इज टू दे वेरी बिग रीजन बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए स्टॉक्स में रिवर्सल आते रहते हैं क्योंकि उनके रिजल्ट्स uh, आते रहते हैं फंडामेंटल चेंज होते रहते हैं न्यूज आती रहती है तो उसकी वजह से अप डाउन होता रहता है बट रिवर्सल तब भी स्टॉक्स में भी तब भी रिवर्सल आएगा जब कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज होगा या कोई बहुत बड़ा स्कैम निकल गया ठीक है तो जनरल थोड़ा प्रॉफिट गिर गया बढ़ गया थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा बट ट्रेंड रिवर्सल उससे नहीं होगा ट्रेंड रिवर्सल कब होगा इफ अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पूरा प्रॉफिट कर रही थी बट अचानक से कुछ बड़ा लॉस हो गया उसका तो वहां पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है बट ये नहीं अगर वो हजार करोड़ प्रॉफिट था आया था तो उसका अभी आठ सौ करोड़ प्रॉफिट आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब होगी और स्टॉक में रिवर्सल हो जाएगा इट इज नॉट लाइक दैट तो सेम विथ मार्केट कि जनरल करेक्शन एक छोटी चीज है जो होती रहती है बीच बीच में एंड ट्रेंड रिवर्सल इज अ बिग थिंग जिसमें टाइम लगता है तो कमिंग बैक टू दिस आई विल नॉट सेल दिस स्टॉक आई विल नॉट सेल दिस स्टॉक द रीजन इज देंथ ऑफ द कैंडल इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ओके एंड क्या है आपका सेक्टर भी बुलिश है एंड मार्केट भी बुलिश ही है अभी ठीक है सो आई विल नॉट सेल दिस स्टॉक ठीक है अगर आप सेल करेंगे तो आप क्या करेंगे इसका टारगेट कैसे निकालेंगे जस्ट अभी कमिंग टू द पॉइंट टारगेट एनी कैन प्लीज हेल्प मी इन फाइंडिंग द टारगेट एंड शेयर इट इसका डाउनसाइड टारगेट क्या होगा अगर आपने सेल करते हैं तो एनी आंसर फॉर इट लेट्स ट्राई आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग एनी आंसर्स मैंने निकाल लिया टारगेट अपना डाउनसाइड टारगेट एनी आंसर्स क्या होगा इसका डाउनसाइड टारगेट सेल करेंगे नहीं करेंगे अभी मैं उस उसपे बात नहीं कर रहा हूँ जस्ट टारगेट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आई एम डिस्कसिंग ठीक है कि अगर हम लोग इसको सेल करते हैं तो इसका क्या डाउनसाइड टारगेट बनेगा एनी आंसर्स

टू फिफ्टी फाइव मेरा टारगेट आया टू फिफ्टी फाइव का ठीक है टू फिफ्टी फाइव का मैंने ये हाई लिया वाइडेस्ट डिस्टेंस ट्राइंगल का जो है ये हाई और ये लो ठीक है तो ये लो टू फाइव और ये हाई है टू फोर्टी नाइन ठीक है अराउंड टू फोर्टी नाइन तो ये दोनों का डिफरेंस निकाला मैंने जो आया अराउंड फिफ्टी फोर पॉइंट ठीक है इस फिफ्टी फोर पॉइंट को मैंने एंट्री पॉइंट जो था थ्री हंड्रेड एंड नाइन

We can keep a stop loss above this, और मैंने कहा था तो तो स्टॉप इस, इस लॉस तो रख सकते हैं या जब इसके ऊपर क्लोज हो जाए ठीक है इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए बट ये ध्यान रखिए आपका स्टॉक एटलीस्ट वन इज टू टू मैं बोला हूं ठीक है तो एटलीस्ट वन टू वन इज टू One से लेके वन पॉइंट फाइव मिनिमम है वो होना ही चाहिए मतलब डेढ़ गुना आपका टारगेट होना ही चाहिए स्टॉप से ठीक है द मिनिमम ठीक है? So, है तो और एक देख लेते जेनरल इंश्योरेंस सो यू कैन सी जेनरल इंश्योरेंस इट हैज गिवेन अ ब्रेकडाउन ठीक है सो जनरल इंश्योरेंस हैज गिवेन अ ब्रेकडाउन दिया है बट हियर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक डाउन ऑफ आदित्य बिरला एंड दिस तो दिस ब्रेक डाउन इज लुकिंग बिट कन्सिंग ठीक है ऑल्सो द वॉल्यूम इज नॉट दैट गुड बट द स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल इज गुड ठीक है जो कैंडल का बहविशने से वो ज्यादा है ठीक है तो मैसेव तो अगर मुझे आदित्य बिरला और जनरल इंश्योरेंस में करना होगा सिलेक्ट यही दो स्टॉक है अगर मुझे बेचना है तो आई विल गो फॉर जनरल इंश्योरेंस ठीक है आई विल नॉट गो फॉर आदित्य बिरला अगर मुझे सेल करना ही है तो ठीक है और भी चार्ज देखूंगा अभी मैं सिर्फ इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ वॉल्यूम कितना होना चाहिए देर इज नो डेफिनेशन बट हा डेफिनेशली शुड बी अ जम्प वॉल्यूम थोड़ा बढ़ना चाहिए एटलीस्ट आप ट्वेंटी डे एवरेज के ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए ठीक है ये ब्रेकआउट कैंडल्स क्योंकि वहां पे पार्टिसिपेशन uh, बढ़ जाता है जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है और वॉल्यूम के साथ होता है तो मीन्स लोग आर कन्विंसिंग दे आर कन्विंस्ड की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया तो ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट किए ठीक है थीके? तो अगर मुझे सेल ही करना है अगर मुझे सेल ही करना है तो मैं दोनों आदित्य बिरला और जनरल इंश्योरेंस में सेल करूंगा बट अगर मुझे कोई बाय अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है सेल मिल रहा है देन ओनली बट इन कंपेरिजन अगर मुझे कोई बाय अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है और सेल अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है और तो मैं अभी बाय में जाऊंगा ठीक है रिलायंस भी देखिए आपका आया है बट रिलायंस का भी सो यू कैन सी द रिलायंस सो रिलायंस हैज ऑल्सो गिवेन अ बुलिश बियाविश ब्रेक डाउन वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है बहुत ज्यादा नहीं वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है इसमें बट रिलायंस में क्या अभी बोनस का इश्यू चल रहा है बोनस की वजह से भी देख वुड बी इम्पैक्ट ठीक है तो ये जब भी कोई इवेंट की वजह से अगर कोई प्राइस में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो गया है ना देन यू शुड अवॉइड कोई भी स्टॉक में ब्रेकडाउन जनरल इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से अगर हुआ है जनरल इलेक्शन की रिजल्ट की वजह से ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ है तो वो पैटर्न को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देखे बट जो जनरल मार्केट में जो पैटर्न बने हैं उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि तो इलेक्शन के टाइम में या कोई भी बड़े इवेंट के टाइम में बहुत से प्राइसेस वॉयलेट कर जाते हैं अपने हाईज लोस को और बहुत से फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं तो बेटर है उन ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को अवॉइड करें जो जनरल मार्केट्स में मतलब कोई इवेंट uh, की वजह से बन रहा है ठीक है तो उन पैटर्न को अवॉइड करें ठीक है बट अगर मैं रिलायंस का कोई न्यूज नहीं जानता कुछ नहीं जानता अगर मैं सिर्फ पैटर्न को देखूंगा तो ठीक है इसने अच्छा ब्रेकडाउन दिया है बट आई विल वेट फॉर दिस सेकेंड कंफर्मेशन के लिए मैं वेट करूंगा अगर प्राइसेस वापस इस ब्रेकडाउन के नीचे चलते हैं देन आई कैन गो फॉर सेल फॉर दिस ठीक है तो ये अभी अपने को जितने भी मिल रहे हैं बेसी स्टॉक्स मिल रहे हैं तो ये देखिए मैं जो बोल रहा था स्ट्रेंथ बुलिश ब्रेकआउट राइट एवेन्यू सुपर मार्ट गिवेन अउट और एक काफी अच्छी बढ़िया कैंडल के साथ ने इसने दिया है द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल इज गुड वॉल्यूम हैज आल्सो गिवेन अप एंड द स्टॉकिन शुड आई गो बाउंगा कि नहीं जाऊंगाजय पंकज जी भानुजी यस ओके यस यस मनोहर वेरी गुड तो मोस्टली थैंक यू फॉर योर आंसर ब्रेकआउट बायरी यू नो इंटेलिजेंट ग्रुप इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स

मैं एंट्री तो लूंगा एंट्री के बाद टारगेट अचीव होगा या स्टॉप लॉस अचीव होगा मैं नहीं जानता हूँ बाय स्टॉप लॉस टेकिंग टारगेट बाय टेकिंग स्टॉप लॉस एंड टेकिंग माय टारगेट्स पे निकलना टारगेट्स पे निकलना या स्टॉप लॉस पे निकलना ठीक है तो टारगेट्स तो आप लोग ये हाई और ये लो का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो

बट अगर वन इस टू से कम हो रहा है और ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हो पा रहा है तो यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस हेयर ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम भी दिया है अगर इसके नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली आपको फिर निकल जाना होगा स्टॉप लॉस लेके ओके okay? तो एज पर मैं क्या करूंगा मैं मैं इसमें बाय लूंगा ठीक है क्लियर सर आर आई एफ सी में भी सजेस्ट कीजिए जनरल इंश्योरेंस में भी ओके okay. लास्ट कैंडल वॉश इन या लास्ट कैंडल अभी दोजी बना है ठीक है प्राइस यहाँ पे एक यू नो लॉन्ग लेग दोजी टाइप कैंडल बना है कोई प्रॉब्लम नहीं है वंस द स्टॉक्स एंट्री फॉर कन्फर्मेशन दोन दे कैन टेक एंट्री अबव दिस हाइट जो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के नीचे ले सकते हैं या आप कब ले सकते हैं जब अपने ब्रेकआउट प्राइस ये जो ब्रेकआउट लाइन है इसको रिटेस्ट कर भी सकता है प्राइस हो सकता है यहां से यहां तक आ जाए रिटेस्ट करने के बाद वापस आप मूव करना चाहे तो जो कंजर्वेटिव है या जो कंफर्मेशन चाहते हैं वो प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद भी ले सकते हैं तो दस में से छह सात बार होता है प्राइस अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करता है ठीक है और तीन चार अपॉर्चुनिटीज आएगी जिसमें ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट नहीं करेगा और वो बढ़ता चला जाएगा वहां पे आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं बट इट इज ओके आप सारा समंदर तो कोई नहीं पी सकता है बट अगर अपने को उसमें से एक बकेट पानी मिल जाए दैट इज इनफ फॉर ओके सो तो अपने वीटेस्ट में ले सकते हैं जो, जो बहुत तो ब्रेकआउट्स का अपने क्या -क्या, राइट ब्रेकआउट कैसे हो सकता राइट तो है राइट ब्रेकआउट तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है राइट ब्रेकआउट होने का बुलिश लॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए वॉल्यूम में जंप होना चाहिए और प्राइजेस जो है अपने डे हाई के आसपास में क्लोज होना चाहिए ठीक है अगर कोई बहुत डे लो के पास में क्लोज हो जा रहा है तो वो अपने बुलिश ब्रेकआउट में कंसिडर नहीं करेंगे ओके तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल मैंने बुलिश और बेहिश दोनों दिखा दिया लेट्स मूव टू एसेंडिंग ट्राइंगल ठीक है तो असेंडिंग ट्राइंगल पांच सितंबर को हुआ किसमें एल्केमाइंस एल्केलाइंस में असेंडिंग ट्राइंगल बना है पांच सेप्टेंबर को बाईस सौ चार रुपए में अभी प्राइस क्या चल रहा है बाईस सौ सिक्सटी थ्री ठीक है यू कैन सी एसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे ठीक है तो प्राइस ने ब्रेकआउट कब दिया इस कैंडल में दिया नहीं इस कैंडल में प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया है. इस कैंडल ने प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं होऊंगा ठीक है यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया है तो आई कैन सी द वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा ही है ठीक है इस ब्रेकआउट होने से पहले ही वॉल्यूम आ गया था ब्रेकआउट होने से पहले वॉल्यूम आ जाना मीन्स ब्रेकआउट होने से पहले वॉल्यूम आना आ जाना मतलब क्या होता है इसका कि दैट पीपल आर एक्सपेक्टिंग ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ नहीं है बट तब भी ब्रेकआउट आ गया वॉल्यूम आ गया है तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग ब्रेकआउट होगा प्राइसेस में राइट तो यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है जब प्राइस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाएगा देन इट विल बी कंसिडर एज अ ब्रेकआउट ठीक है तो हेयर यू कैन सी इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट सो आई कैन गो फॉर अ बाय इन दिस केस ऑल्सो ठीक है ऑल दो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई है आप देख सकते कैंडल में नीचे में आई है बट अगर मैं इस दिन ब्रेकआउट दिया है नेक्स्ट डे मुझे बेकआउट कैंडल पे मिलेगा और इसके हाई के ऊपर चलेगा मैं जब ये कैंडल नहीं देखूंगा ठीक है अगर मेरे पास सिर्फ ये कैंडल्स है ठीक है ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है और नेक्स्ट डे प्राइस इसके हाई के ऊपर चलेगा तब तो मैं एंट्री ले लूंगा इसमें तो मैं एंट्री ले लूंगा राइट अब जब मैं एंट्री ले लूंगा तब तो मैं एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस क्या बनेगा तो मैंने दो चीज कहा था आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रख सकते हैं आप ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं छोटा है अगर यही लेंथ बड़ी होती कैंडल की तो मैं ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप तो लॉस रख सकता ठीक है तो इसमें मैं किस क्या सिनारियों में स्टॉप लॉस रख सकता हूं अगर मैंने यहाँ पे बाय किया है तो मैं ये जो कंजेशन पॉइंट है सपोर्ट लेवल जहां से प्राइस बढ़ा है मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ ठीक है तो वही मैं बता रहा हूं रिस्क के हिसाब से टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और लास्ट स्टॉप लॉस आप क्या है अगर इस कैंडल इसके नीचे बंद हो जाएगा तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं दैट इज द मैक्सिमम स्टॉप लॉस ठीक है क्योंकि वहां से फिर ट्रेंड रिवर्स करने लगेगा सर डू यू यूज फ्यूचर्स और ओनली कैश फॉर दीज ट्रेड्स तो ये जो ट्रेड है ये आपको फ्यूचर में भी आप यूज कर सकते हैं ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हैं कैश में भी यूज कर सकते हैं ओके अगर वो स्टॉक फ्यूचर में लिस्टेड है तो यू कैन ट्रेड इन फ्यूचर ऑल्सो अगर फ्यूचर में आप ट्रेड करें तो उसमें आप फदा अपने यू नो ओपन इंटरेस्ट का भी वो लगा सकते हैं क्राइटेरिया कि ओपन अगर प्राइसेस बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए ठीक है तो अगर फ्यूचर में करें तो आप उसमें ओपन इंटरेस्ट पॉइंट को भी अपने ध्यान में रखेंगे वॉल्यूम के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड right? uh, जो टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं उसी हिसाब से उसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस बनेगा अगर डेली के हिसाब से कर रहे हैं तो डेली के हिसाब से टारगेट एंड स्टॉप लॉस बनेगा मंथली के हिसाब से कर रहे हैं तो मंथली के हिसाब से टारगेट एंड स्टॉप वॉर्स बनेगा पांच मिनट में ही पैटर्न बन सकता है आधे घंटे में ही बन सकता है ठीक है बट आई विजेस्ट के एटलीस्ट डेली पैटर्न में काम कीजिए तो जितना ज्यादा टाइम फ्रेम का बनता है उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है पैटर्न में जो मंथली टाइम फ्रेम का पैटर्न है दैट इज स्ट्रॉगर वीकली एंड वीकली देन डेली, एंड डेली स्ट्रॉगर देन डे ठीक है यस, वीटेस्ट बेस्ट है वीटेस्ट में आपको अच्छा ऑप्शंस आप मिलेगा ओके okay? सो so, ट ऑल्सो यू कैन सी जेके सिमेंट मैंने इसका एक पोस्ट भी शेयर किया था जेके सीमेंट का मुझे याद है तो यू कैन सी हियर इट हैज गिवन हेजनआउट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है एसेंडिंग ट्राइंगल का इट हेज गि ब्रेकआउट ऑफ एसेंडिंग ट्राइंगल राइट यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम्स बड़े हैं ब्रेकआउट के समय में जो वॉल्यूम्स रिड्यूस हो गए थे देन वॉल्यूम्स आना चालू हो गए

अगर मैं आज यहां पे होता ठीक है तो मेरे हिसाब से दिस इज अ दिस इज अ राइट ब्रेकआउट अब मैं फ्यूचर नहीं देखा आज इफ आई एम गेटिंग दिस चार्ट दिस इज अ राइट ब्रेकआउट फॉर मी ओके ओकेट इज अ राइट ब्रेकआउट आई कैन सी वॉल्यूम हैज कम आई कैन सी दु लेंथ ऑफ द कैंडल इज स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्लिक लॉन्ग कैंडल एंड आई कैन सी इट हैज क्लोज नियर द हाई ओनली तो आज के दिन के हिसाब से ये मेरा राइट ब्रेकआउट कंसिडर करूंगा मैं कल मेरे को स्टॉक अगर इस प्राइस इस हाई के ऊपर चलना चालू करेगा आई विल गो फॉर बाय ठीक है अब उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सिर्फ ट्रेड को मैनेज कर सकता हूं राइट डिसीजन मेकिंग मेरा यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो आई नॉट टेकिंग एनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल नॉट डिसेंडिंग ट्राइंगल हिंदुस्तान जिंक तो ये हिंदुस्तान जिंक ने इस दिन डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दिया है ठीक है मी चेक द डेट सात अगस्त जब इस लाइन के नीचे क्लोज हो गया तो इसने ब्रेकडाउन दिया है उसके बाद इट हैज गॉन डाउन ठीक है तो अभी तो ये नीचे चला गया ठीक है बट क्या मैं इसमें सेलिंग करता डिसेंडिंग ट्राइंगल में यहां पे अगर मैं रहता इस दिन जब ब्रेकआउट दिया ब्रेकडाउन दिया तो मैं इसको देख के डिसीजन लेके मैं सेल नहीं करता मैं सेल नहीं करता ठीक है क्यों नहीं सेल करता क्योंकि लेंथ ऑफ द कैंडल इज नॉट गुड वॉल्यूम इज नॉट दैट गुड ठीक है भले ही ये नीचे गया नो प्रॉब्लम आई विल मिस द ट्रेड नो प्रॉब्लम बट मैं इसमें ट्रेड नहीं लेता ठीक है अगर किसी को ट्रेड लेना होता तो वो अपना ट्रेड ले सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके ठीक है बट कौन से स्टॉक्स आपको छोड़ने हैं कौन से लेने हैं वो आप फदर अपना एनालिसिस करके यू कैन डू इट ओके तो पास्ट में भी आपने देखेंगे बहुत से स्टॉक्स हैं अब ये कैस्ट्रोल वन एटी फाइव चार जून को दिया था पास्ट में चार जून को वन एटी फाइव में ब्रेकडाउन दिया था अभी टू सिक्सटी फोर चल रहा है तो अच्छा हुआ ये एक्जाम्पल मेरे को मिल गया तो ये चार जून को जो मैं बोल रहा था आपको इवेंट वाला डे आपको याद होगा चार जून वॉज अ डे ऑफ इलेक्शन रिजल्ट राइट तो मैं क्या कहा था मैंने आपको कोई भी पैटर्न कोई इवेंट के टाइम में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है तो वो उस पैटर्न को इंपॉर्टेंस नहीं देना है उस पैटर्न को अवॉइड कीजिए राइट क्योंकि वो एक इवेंट की वजह से बना है वो जेन्य पैटर्न नहीं बनते हैं ठीक है थीके? तो आई विल अवॉइड तो अगर किसी ने चार जून को ये ब्रेकडाउन खेल लिया होता तो वो तो पूरा

आपको तो चार्ट पैटर्न में हंड्रेड ऑफ पैटर्न आ जाएंगे बट कौन से लेना है कौन से अवॉइड करना है ठीक है वो कैसे डिस, डिसाइड करें हो सकता है अपने सब कुछ करने के बाद भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ किए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो तब भी हो सकता है बट चांसेस विल बी वेरी लो एंड चांसेस ऑफ अचीविंग अ प्रॉफिट टारगेट ज्यादा होगा ठीक है अपने प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा अपने मार्केट में कभी भी श्योरिटी नहीं है एक बात आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ

आप लोग ने फेस किया कि नहीं आई डोंट नो बट आई हैव फेस दिस मैं अपने बारे में बताऊं कि अब तो ये मैं श्योर हो गया हूं कि हां ये तो 100% ऐसे ही होगा मैं देखा नेक्स्ट डे मैं रॉन्ग पड़ गया तो जब आप श्योरिटी हो जाते हैं ना कोई चीज के लिए तो अपने माइंड को आप कन्विंस कर लेते हैं कि ऐसे ही होगा फिर वो आप यू you नो know, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल पॉइंट है फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं रॉन्ग हो सकूंगा तो आप एक ट्रेड में बने रहते हैं इवन आपका स्टॉप लॉस भी टिगर हो जाता है क्योंकि बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड योर माइंड दैट इट इज श्योर ये गलत हो ही नहीं सकता है सब गलत कैसे हो गया ठीक है तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता पाऊँ क्योंकि मैंने भी ये सब चीजें फेस की है ठीक है इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस इट इज नॉट दैट कि मैं बहुत कुछ सीख के आया हूं ऐसा कुछ नहीं है मैं भी इंसान हूँ ट्रेडर हूँ आप लोग की तरह ही ठीक है सब चीज फेस किया और मार्केट साइकोलॉजी जैसे आपकी है वैसी मेरी भी है ठीक है तो आई हैव आल्सो गॉन थ्रू ऑल दीज फेजेस राइट सो एंड मेनी पीपल जिनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ जो मैं आसपास के जो फ्रेंड्स हैं कलीग्स रिलेटिव तो उनसे भी यही सब मुझे फीडबैक्स मिले हैं ठीक है तो तो वो पेशेंस और मैं सॉरी क्या बोल रहा था हाँ मैं भूल गया हाँ तो मैं एक बोला था कि इवेंट्स को अपने को इवेंट्स uh, को अवॉइड करना चाहिए ठीक है और अपने को कौन सी ट्रेड्स लेनी है कौन सी ट्रेड्स नहीं लेनी है और श्योरिटी एंड प्रोबेबिलिटी तो जब भी आप श्योरिटी और प्रोबेबिलिटी के साथ काम करेंगे प्रोबेबिलिटी का माइंड रखेंगे तो आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया है कि दैट इवन आई कैन गो रॉन्ग ऑल्सो और जब आप श्योरिटी के साथ काम करेंगे तो आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि ये तो हो इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है ठीक है तो मेक अ प्रोबेबिलिटी माइंडसेट नॉट अ श्योरिटी माइंडसेट ओके आपका सबसे बड़ा लॉस कितना था कोई एग्जांपल बता ठीक है मैं बता सकता हूं वो मैं जब मैं कोई जॉब भी नहीं करता था मैं कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहा था सिल्वर में सबसे बड़ा लॉस मेरा सिल्वर में हुआ था जो जब सिल्वर सेवेंटी थाउजेंड से ब्रेक होके ब्रेक uh, डाउन हुआ था वापस थर्टी थाउजेंड में आ गया था ठीक है तो उस टाइम में मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ था सिल्वर में वो मैं बहुत मत, जस्ट मैं uh, काफ़ी साल हो गया उसको मैं नया नया ही चालू हुआ था तो मैं भी वही श्योरिटी मोड में चला गया था तो वह फ्यूचर उसमें फ्यूचर में काम किया था सिल्वर का और उसमें मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था ठीक है तो वो परसेंट तो मुझे याद नहीं है बट आई नो दैट वाज द बिगेस्ट लॉस आई फेस्ड इन सिल्वर जब तक मैं गोल्ड में छोटा छोटा काम करता था तो अच्छा प्रॉफिट आता था जब ब्रेकआउट हुआ उसमें सिल्वर में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ सत्तर पैंसठ सत्तर आई थिंक साठ पैसठ हजार कुछ चला गया था वापस से वो तीस आ गया था ये मैं पांच सात आठ साल पहले की बात बता रहा हूँ आप लोग को तो दैट वॉज द बिगेस्ट लॉस ओके विशाल जी आपने सुना करंट मार्केट फॉल कैन बी इवेंट फॉर ब्रेकआउट कंसिडर्डेंट ब्रेकडाउन अभी करेंट मार्केट नॉट बी ठीक है, अभी, भी नहीं। अभी, ठीक है? अभी इसके लिए और टाइम लगेगा मार्केट ट्रेंड चेंज है कि नहीं तो वील we'll है अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई बना के अभी 300 पॉइंट नीचे आया ठीक है बिकॉज कोई न्यूज भी था मुझे प्रॉपर न्यूज नहीं पता बट मुझे जहाँ को पता कि कुछ एफ आई को बोला गया था कुछ लाइसेंस उन लोग का रिन्यू करने के लिए अगर उन लोग रिन्यू नहीं करते हैं तो उनका शायद माल वाल भेज दिया जाएगा आ, मैं मुझे प्रॉपर न्यूज नहीं पता जहां तक मुझे थोड़ा बहुत पता वही मैं डिस्कस कर रहा करूँ मैंने अभी सर्च भी नहीं किया तो उसकी वजह से कुछ फॉल्स आया था मार्केट में ठीक है मे बी दैट अगर वो तो वो न्यूज के ऊपर थोड़ा सा फॉल आया था ठीक okay. है तो थोड़े से फॉल के लिए मार्केट का रिवर्सल नहीं समझ सकते हैं तो इसीलिए बोला जाता है व्हेन द मार्केट इज अप ट्रेंड बाय ऑन डिप्स व्हेन द मार्केट ट्रेंड इज अप बाय ऑन डिप्स तो डीज डिप्स आर अपॉर्चुनिटी टू बाय क्योंकि अगर आप, आप हाई में बाय करते हैं फंस जाते हैं अगर आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे भी करेक्शन दे देगा स्टॉक्स को बाय करने का तो आप लो में बाय कीजिए राइट तो अपने जैसे एग्जाम्पल देखा था जी आर अपना अच्छा खासा रन दिया था सत्ताईस अट्ठाईस सौ रुपए तक चला गया था फिर वापस आई थिंक सोलह सो सत्रह अठारह सौ तक आया फिर वहां पे एक रेंज बना के ऊपर मूवमेंट चल तो करेक्शन हो गया तो जेआरसी में एक अच्छा स्टॉक था अच्छा मूवमेंट चल रहा था सत्ताईस सौ से अच्छा करेक्शन दिया वापस अगर इसमें अपसाइड मूवमेंट आ रहा है तो करेक्शन में बाय कीजिए ठीक है तो दैट इज अ बाय ऑन डेप गुड स्टॉक बुलिश स्टॉक अप अच्छा स्ट्रेंथफुल स्टॉक करेक्शन बाय ऑन स्टॉक्स ऊपर सेल वो हुआ

सेलोन राइज होगा ओके बुलिश मार्केट में नो सेल इन राइस मार्केट में नो बाय डिप्स राइट ओके रेडिको खेतान योर व्यू सो एव डिस्कस रेडिको खतान एज पर चार्ट एंड सिमिटिकल असेंडिंग ट्राइंगल ब्रेकआउट आई एम बुलिश फॉर दी रेडिको खेतान विशाल जी का भी सिल्वर में था ओके okay? <laughs> था एक साल पहले मेरा एक साल पहले नहीं और काफी साल पहले हुआ था टाइम पांच छह साल सात साल हो गया होगा आई थिंक जब प्राइस सिक्सटी टू थाउजेंड से याद है मुझे थर्टी थाउजेंड क्रैक डाउन किया था बहुत जरूर फंस गया था सो विध चार्ट पैटर्न कैन बी यू यूज फॉर गुड सो चार्ट पैटर्न का जो वो है uh, क्या बोलते हैं ड्यूटी uh, है इट इज नॉट यू नो ओनली लिमिटेड फॉर इक्विटी तो दिस पैटर्न और एनी चार्ट कोई भी टेक्निकल्स आप यूज करते हैं बल फी में भी यूज कर सकते हैं एग्रीकल कॉमोडिटी में भी यूज कर सकते हैं फंडामेंटल ऑफ एनी थिंग इट रिफ्लेक्ट द साइकोलॉजी वो आपको कभी मोमेंटम बताता है वाइज बढ़ रहा है या घिर रहा है या किस डायरेक्शन में जा सकता है आपको रीजन नहीं बता सकता है तो आप चार्ट पैटर्न को या टेक्निकल एनालिसिस को कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हैं एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ओके? इज इट द राइट टाइम टू इंटर राधिको खैतान ठीक है राधिको खैतान एक बार खोल लेता हूं रिसेंट में था न so सी ये ब्रेकआउट कैंडल अभी चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं अपने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है कन्विंसिंगली ब्रेकआउट दिया है ब्रेकआउट देने के प्राइस बहुत रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहे हैं राइट तो अभी अपने देख रहे हैं यहाँ पेज बाउंड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दिस पॉइंट जो है ये जो गैप लेवल है दिस कुड एक्ट एज अम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर दि स्टॉक राइट ये अराउंड एटीन हंड्रेड एंड एटी फाइव है ये एक प्राइस का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है तो एटीन एटी फाइव से लेके ये जो ब्रेकआउट लेवल था ब्रेकआउट लेवल क्या था इसका रेडिको कैतान का 1885 एटीन फाइव वॉज द ओनली ब्रेकआउट लेवल ठीक है तो 1885 तक जब तक प्राइस ऊपर में है इसके यू कैन इंटर इनटू द स्टॉक ठीक है आप इसमें स्टॉक में इंटर कर सकते हैं तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं एटीन एटी फाइव जो ब्रेकआउट लेवल था यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं ठीक है तो अब एंट्री लेने के बाद आप क्या करेंगे ये नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे ठीक है? Will, uh, target, ठीक है है और टारगेट टारगेट आप से कैलकुलेट करके यू विल वेट फॉर तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो मैं एंट्री ले सकता हूँ ठीक है अगर यहाँ पे आप देख रहे हैंडल बना हुआ है तो लेट प्राइस को एक बुलिश कैंडल बनाने दीजिए या आप और इस तरह से इस रेंज को ब्रेकआउट करने दीजिए ये एक, एक चार पांच दिन का जो एक रेंज बन गया है अगर आपने अभी ट्रेडिंग नहीं ली है अगर ट्रेड नहीं ली है तो वेट आइदर फॉर द प्राइस टू ब्रेक अब दिस रेंज ये रेंज को तोड़े या आप क्या कर सकते हैं ब्रेकआउट लेवल के पास आने दीजिए प्राइस को वहां पे एक सपोर्ट लेता है वहां से बाउंस बैक देखता है तब आप ट्रेड ले सकते हैं ठीक है क्लियर है तो ओवरऑल माय व्यू इज बुलिश फॉर दिस रेडिको एज ऑफ नाउ जेके सिमेंट ऑल्सो आई एम बुलेश थोड़ा स्लो चल रहा है सो सो दे आर मेनी पैटर्न राइट आशीष जी बहुत से पैटर्न है तो वॉट आई विल सजेस्ट लाइक दे आर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आपका रिवर्सल पैटर्न है

दस बारह पंद्रह ट्रेड उसी पैटर्न में लीजिए रिपीटेडली ठीक है ट्राई टू मास्टर दैट छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एंड वंस यू मास्टर ठीक है उसको आप अच्छे से समझ लें देन ट्राई टू पिक बिग मनी इन दैट एंड मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न आप जब वो पैटर्न में मास्टरी आ जाए तो आप दूसरे पैटर्न में जाइए ठीक है थीके? ऐसे कर करके आप कुछ रिवर्सल पैटर्न को कीजिए एंड सम कंटिन्यूएशन पैटर्न रिवर्सल पैटर्न्स आपको या तो बहुत बुलिश मार्केट में मिलेंगे जो अपसाइड रिवर्सल होंगे या बहुत बियारिश मार्केट में रिवर्सल रिवर्सलेंगे जो बहुत डाउन साइड से अप जाएंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है अभी आपको, अभी आपको के मार्केट में ज्यादातर क्या कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलेगा या अपसाइड कंटिन्यूशन पैटर्न मिलेगा या आपको अपसाइड रिवर्सल मीन्स अप से जो रिवर्स करे अगर मार्केट ऊपर से नीचे घूमता है तो अपसाइड रिवर्सल आपको मिलेंगे बहुत से ऊपर से नीचे घूमे या कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलेंगे हाउ टू स्कैन राउंडिंग बॉटम ठीक है हाउ टू स्कैन राउंडिंग बॉटम राउंडिंग बैटम बॉटम का अपने स्कैन बना हुआ है ऑलरेडी राउंडिंग बॉटम ठीक है राउंडिंग बॉटम एंड राउंडिंग टॉप तो राउंडिंग बॉटम आपको ग्रीन में दी हुआ है मीन्स इट इज अ बुलिश पैटर्न एंड राउंडिंग टॉप यू कैन सी इट इज इन रेड सो इट्स अश पैटर्न ठीक है तो लेट्सिंग बॉटम अभी तो हाल फिलहाल रिसेंट में देर इज नो स्टॉप ओके तो पास्ट में आपने देखते कोई हिस्ट्री में सत्ताईस <coughs> अगस्त को आया था राउंडिंग टॉप में टाटा इन्वेस्टमेंट ओके तो एक बहुत बड़ा कैंडल था तो इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते इतनी एक ही दिन में इतना बड़ा मूव दे दिया था आई थिंक पूरा टारगेट ही अचीव हो गया तो इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे ठीक है क्योंकि बहुत बड़ा मूव एक ही बार में दे दिया था इसने दूसरा स्टॉक्स देखे सो जेके पेपर सो यू कैन सी दिस हैज फॉर्म अ राउंडिंग बॉटम हियर इट हैज गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट यहां पे ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम भी जम्प किया एंड उसके बाद इसका टारगेट कैसे लेते हैं राउंडिंग बॉटम का तो ये जो हाई है और ये जो बॉटम है ठीक है इसका डिफरेंस लेंगे This, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है और ये जो बॉटम है डेप्थ है ये जो बॉटम का जो डेप्थ है इन लोग का हाई हाई और लो का डिफरेंस लेंगे और यहाँ पे अपने एड करेंगे टू गेट द टारगेट ठीक है तो यहाँ पे देखिए टारगेट अचीव करने के बाद द स्टॉक हैज अ शार्प करेक्शन अच्छा खासा करेक्शन दिया नाउ जब मैं बोल रहा था कि अभी देखिए अपने ब्रेकआउट लेवल के पास में आ गया वापस रीटेस्टिंग द ब्रेकआउट लेवल तो अभी क्या मैं बाय करूंगा अभी ब्रेकआउट लेवल के पास आया क्या मैं बाय करूंगा नहीं अभी मैं बाय नहीं करूंगा कब बाय करूंगा अगर यहां से स्टॉक बाउंस बैक दिखाता है अगर यहां से वापस बाउंस बैक दिखाता है तो आई कैन बाय क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने आ रहा है प, बट क्योंकि ये काफी लंबा समय भी हो चुका है टारगेट अचीव करने बहुत समय के बाद आ रहा है ठीक है तो आई विल वेट फॉर दिस ठीक है अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर यहाँ से वीटेस्ट करके भागता तो एक स्टोरी अलग होती जो यहां पे आया फिर यहाँ से रिटस्ट करके भागा तो एक अलग डिफरेंट तो अभी पहली बात है इसने अभी ब्रेकआउट लेवल के जस्ट पास में है यहाँ पे यू कैन सी इट हैज इट इज जस्ट नियर द ब्रेकआउट लेवल अभी यहां से सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा अगर सपोर्ट लेता है बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो आई कैन एंटर ठीक है बट ये अभी इंट्री लेवल आपका इनवैलिड हो जाएगा ये मैं अभी सेकेंड ऑप्शन आपको बता रहा हुआ बट यहाँ पे आपका ब्रेकआउट था ठीक है तो हियर द ब्रेकआउट है और यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा ठीक है ये अगर जो सेकेंड जो यहां पे पैटर्न का पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका रोल खत्म हो चुका है ठीक है तो नेक्स्ट इमामी में हुआ था थर्टींथ मे को थर्टींथ मे को इमामी में राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ था तो यू कैन सी वेरी गुड राउंडिंग बॉटम पैटर्न हैज बीन फॉर्म बहुत अच्छा वॉल्यूम बड़ा काफी अच्छा हुआ बहुत लॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ हुआ तो नेक्स्ट डे जब इस कैंडल के ऊपर जाएगा आई विल बाय एंड आई विनटेन यहाँ पे मैं जो है कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख लूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है ठीक है तो इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रख लूंगा इसमें भी देखेंगे तो ये हाई और ये लो के बीच का जो डिफ्रेंस होगा उससे अपना टारगेट निकाल लेंगे ठीक है तो ये अपना राउंडिंग बॉटम था ठीक है तो ऐसे यू कैन गो एंड एक्सप्लोर बहुत से एक्सप्लोर कर सकते हैं ठीक है तो राउंडिंग टॉप रिसेंट में इज एनी टॉप एक स्टॉक है जो रिसेंट में राउंडिंग टॉप बनाया आई आर एफ सी आई थिंक किसी ने पूछा भी था आई आर एफ सी के बारे में तो लेट्स सी सी लेट्स तो ये वाला चीज जो है ये राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट राउंडिंग टॉप का जो ब्रेकआउट दिया है वो सेम है इलेक्शन वाला डे तो आई विल नॉट कंसिडर दिस दिस ब्रेकआउट, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम राउंडिंग टॉप ब्रेकआउट इस दिन हुआ था सो दिस ब्रेकआउट आई विल नॉट कंसिडर क्योंकि भले ही वॉल्यूम था सब कुछ था क्योंकि ये इवेंट वजह से हुआ था ठीक है चार जून इलेक्शन रिजल्ट डे तो प्राइस अभी तक वहीं पे होवर कर रहा है आई आर सी टी सी पूछा था ओके आई आर सी टी सी एक बार देख लेता हूं बट इंडिविजुअली स्टॉक्स जनरली आई डोंट टेक तो ये आई सीटीसी का चार्ट बना हुआ ठीक है तो इट इज सिमिलर पैटर्न वैसे ही है जैसा आई आर एफ सी में है ठीक है ठीक है तो चार्ट एज पर चार्ट अभी तो ये वीकनेस ही लग रहा है चार्ट में यू कैन सी इज वन यहाँ पे क्या है लोअर लोअर बनाया दिस दिस टॉप टॉप इज इज देन राइट बट स्टॉक टेकिंग सपोर्ट पे एक सपोर्ट भी लिया है तो ये बॉन्ड है अभी यहाँ पे आपको कोई एक्शन नहीं लेना है इट इज नाइदर बाय नॉर अ सेल जिन्होंने बाय ऑलरेडी करके रखा हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस इसके नीचे ये जो ये वाला जो प्राइस है अराउंड नौ सो नौ सौ के नीचे अगर जाता है तो और वीकनेस इसमें आ सकती है ठीक है जिन्होंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है जो लेने का सोच रहे हैं आई विल सजेस्ट अभी इसमें बाय नहीं करें क्योंकि जब तक कोई अपसाइड मोवमेंट नहीं आता है फर एटलीस्ट ये जो हाई है गैप डाउन का हाई है दाइन फिफ्टी फोर तो दिस नाइन फिफ्टी फोर इज अर्डल फॉर दिस स्टॉक ठीक है तो so अभी नाइन फिफ्टी फोर में एक्ट एज अ हर्डल फॉर दिस स्टॉक तो अभी इसको वेट करें जब तक ये नाइन फिफ्टी फोर के ऊपर क्लोज नहीं देता है डू नॉट गो फॉर बाय फॉर दिस स्टॉक जब ये नाइन फिफ्टी फोर के ऊपर क्लोज दे दे देन यू कैन गो फॉर बाय और यहाँ के नीचे स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं नौ सौ के नीचे का ओके okay? तो नाउ और, और चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ और क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं ब्रेकआउट के साथ ब्रेकआउट्स के साथ बहुत लोगों ने आप लोग ने विवेक सर का मॉडल आर एस मॉडल कर राइट? देखा होगा तो जब कोई स्टॉक है नेगेटिव है आर एस जीरो है ठीक है जीरो के नीचे है माइनस वन माइनस टू या माइनस फाइव जो है लेस देन जीरो है और एक स्टॉक और है जिसने बुलिश ब्रेकआउट दिया है उसका आर एस पॉजिटिव है तो बिग स्टॉक आई विल गो फॉर बाय उट एंड वन स्टॉक आवे ने ब्रेकआउट सो डेफिनेटली आई गो फॉर आस पॉजिटिव परफेक्ट ठीक है नाउ आइल टेक सेकेंड एग्जाम्पल एक का दो स्टॉक्स है दोनों का आरएस भी पॉजिटिव है ओके आर एस इज पॉजिटिव ओके और दोनों ने अपसाइड ब्रेकआउट भी दिया है दोनों ने अपसाइड ब्रेकआउट दिया है दोनों का आर एस भी पॉजिटिव है बट एक का RSI जो है वो फोर्टी फाइव चल रहा है एक का आर एस आई फोर्टी फाइव है और एक का आर एस आई फिफ्टी फाइव है तो विथ स्टॉक आई विल बाय थैंक 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 यू 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 वेद जी यस सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज तो मुझे दोनों बुलिश स्टॉक्स मिले बट दोनों में आर एस पॉजिटिव है बट आर एस आई एक जिसका ज्यादा स्ट्रेंथ होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई मीन वॉट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का स्ट्रेंथ तो जिसका आरएसआई फिफ्टी फाइव है सिक्सटी है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू फोर्टी फाइव का स्ट्रेंथ तो आई एल गो फॉर मोर स्ट्रेंथ जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है प्लस आपका चार्ट पैटर्न में बुलिश दिया है वॉल्यूम भी है पॉजिटिव है तो मैं उसमें जाऊंगा सो एज अ जनरल रूल बुलिश मार्केट अवॉइड पैटर्न मार्केट अवॉइड बुलिश पैटर्न राइट फर्स्ट यू एनालाइज के अभी मार्केट का जनरल ट्रेंड क्या है फिर वो सेक्टर का ट्रेंड देख लीजिए ठीक है और फिर स्टॉक्स का ब्रेकआउट का साइड देखिए और ब्रेकआउट में भी फिर आप क्या टेस्ट करेंगे आप जैसे मैंने आपको आर एस कहा आई कहा प्लस लेंथ ऑफ द कैंडल कहा वॉल्यूम कहा तो साथ साथ आप ये सब भी चीज फिल्टर लगा सकते हैं इट इज नॉट दैट इजी कि मार्केट में जस्ट पैटर्न देख के काम कर लिया बहुत मेहनत करना पड़ता है बहुत काम करना पड़ता है एक स्टॉक निकालने के लिए तो एक स्टॉक निकालने के लिए यू हैव टू वेट फॉर लॉट ऑफ टाइम लॉट ऑफ रिसर्च यू हैव टू गिव ठीक है बट आर एस नेगेटिव मीन्स स्टॉक वॉज फॉलिंग डाउन लॉन्ग

कैंडल भी बुलिश है अच्छा वॉल्यूम भी अच्छा है तो ये सब चीजों को लेके आप पैरामीटर्स को लेके एंट्री करेंगे ठीक है सो दिस विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट ठीक है मैं तब भी आपको बोलूंगा कि श्योरिटी इसमें भी नहीं आएगी अगर आप सोचेंगे कि मैं ये सब कर लूंगा तो हंड्रेड परसेंट श्योर प्रॉफिट ही आएगा देन आई एम सॉरी तब ये सेशन का कोई फायदा नहीं होगा द सेशन इज यू हैव टू मेक योर थॉट एज अ प्रोबेबिलिटी कि मैं जितना भी कुछ कर लू उसके बाद भी वॉन्ग हो सकता है ये माइंड में आपको चल के रखना पड़ेगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर है बोला जाता है मार्केट में ट्वेंटी परसेंट इज स्ट्रेटेजी एंड एट्टी परसेंट इज साइकोलॉजी स्ट्रेटजी सिर्फ ट्वेंटी परसेंट है साइकोलॉजी एट्टी परसेंट है राइट सो मेक योर स्ट्रैटेजी से अच्छा अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें राइट तो दैट इज इंपॉर्टेंट ये चीज मैं भी समझ पाया हूँ इतने साल मार्केट में काम करने के बाद कि मोर इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी राइट सो डिस्कस बट आई डोंग सो दैट वी अराउंड ओके सो नेक्स्ट टाइम वील डिस्कस मोर पैटर्न्स होप यू है सेनिफिट मिले होंगे so Saturday must may not got uh, wasted. You have learned something, okay. So hope you have all liked the session. Can give your feedbacks if you have liked the session. If you have not liked the session, then also you can say. So if there is any improvement which you want, you can write it down. No problem, because each and every day is a learning day, and there is always a chance of improvement in life. Okay. So thank you very much for being a very good participant.